इस वक्त हम खड़े हैं समस्तीपुर के ताजपुर रोड में, ताजपुर रोड जो के पास बस स्टैंड है उस इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लोग आते हैं, अच्छी खासी भीड़ आती है समस्तीपुर की जो यहाँ पर ख़रीदारी होती है। यहाँ पर ये पूरा बाज़ार ये जो ताजपुर की तरफ चला जाता है, ताजपुर से धीरे शाहपुर होते हुए ये निकल जाता है उजियारपुर जो नित्यानंद जी का इलाका है जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ये इलाका जो है ये समस्तीपुर है जहाँ पर मुकाबला LJP के प्रत्याशी के साथ है और कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश राम है उनके साथ है, इन दोनों के बीच मुकाबला है। समस्तीपुर की जनता क्या सोचती है इस बारे में हम बात करेंगे। हम चलते हैं यहाँ के आसपास के इलाकों में, जनता जो है वो क्या चाहती है, बदलाव चाहती है या फिर से वही सरकार जो चल रही है वही। चलते हैं, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में आप लोगों के, समस्तीपुर की जनता क्या चाहती है? मोदी सरकार को देंगे वोट। आप लोग बताइए सर, क्या है इस बार समस्तीपुर की जनता क्या चाहती है इस बार? प्रोग्रेस चाहती है, काम चाहती है, हर जगह हर चीज का सुविधा चाहती है, वो मोदी सरकार कर रही है, तो हम लोग इधर मोदी सरकार को ही चाह रहे हैं। विकास चाहिए, मतलब जनता विकास देख रही है कि विकास कौन कर रहे हैं उस पर चाहिए। आप बताइए सर, क्या लगता है समस्तीपुर में क्या जितना जो विकास हो पाना चाहिए वो हुआ है या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल के बाद रामचंद्र पासवान को आज से 3 रोज पहले नजर आए, हम लोग यहीं पर बोले कि आप 5 साल के बाद आ जा रहे हैं तो मुंह उधर घुमा लिए। तो क्या इस बार बदलाव की? बदलाव तो है कि दूसरे को लाना चाहिए, विकास चाहते हैं, जो विकास नहीं देखने को मिला इसलिए बदलाव। बस हाँ, विकास वो क्षेत्र में आते ही नहीं है रामचंद्र पासवान, अभी खूब घूम रहे हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता देखने को मिलते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग के मन में क्या है? गठबंधन से, महागठबंधन को इस बार क्यों? सर विकास जो करेंगे उन्हीं के साथ हम लोग महागठबंधन विकास करेंगे, ये भरोसा है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनको भरोसा। आप बताइए सर, समस्या तो देख रहे हैं सर कि जब से नोटबंदी हुआ तब से भुखमरी छाया हुआ हम लोगों के यहाँ, धंधा पानी सब खत्म, नाराजगी है वर्तमान सर बहुत ही। तमाम लोग यहाँ पे, कुछ और भी दुकानदार हैं उन लोगों के पास भी चलते हैं जो व्यवसाय करते हैं, क्योंकि समस्तीपुर एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। सर आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, व्यवसाय कर रहे हैं सड़क पर, इस बार चुनाव हो रहे हैं, नेता फिर आप लोगों के पास आ रहे हैं दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, क्या स्थिति है इस बार समस्तीपुर की, समस्तीपुर की जनता क्या चाहती है? स्थिति क्या है, टसल है दोनों का, और क्या है, दोनों ही लड़ रहे हैं आपस में, अब जो निकल जाए। तो जो निकल जाए मतलब क्या, आप तो किसको चाह रहे हैं कि कौन बेहतर है? अभी ये कह सकते हैं हम जाएंगे पंचायत में, जाएंगे पर रात में जो 28 तारीख को फाइनल होगा उसी पे डालेंगे। तो बदलाव चाह रही है काफ़ी हद तक जनता, और कुछ जनता जो है वो मोदी सरकार के काम से खुश है। यहाँ पर हम चलते हैं कुछ और समस्तीपुर के कुछ और दुकानदारों तक और लोगों तक, यहाँ पर बस स्टैंड का इलाका है उस इलाके में चलते हैं और वहाँ पर चल के बात करते हैं लोगों से। के बारे में कुछ नहीं, इसके बारे में बोलना है, जब चुनाव का मुद्दा आता है तब नेता नेता भी तभी तो आते हैं, उससे पहले हम तो हमें आते हैं ना, कोई नहीं आता है। इस लोकतंत्र से नाराज है, बिल्कुल नाराज है, नेताओं से भी नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है नेता से। नेता क्या चुनाव होता है तब आते हैं, बिल्कुल उससे पहले कहाँ रहते हैं ये लोग, जब जीत के जाते हैं उसके बाद कब आते हैं इस लोग देखने के लिए जब पब्लिक कहाँ है क्या है। लोकसभा चुनाव फिर से सर पर है, नेता फिर दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, जी क्या उम्मीद? 50-60 साल होने जा रहा है, आते हैं नेता लोग सभी पार्टी के, वोट लेते हैं, तरह तरह का वादा करते हैं और चले जाते हैं, कोई रोजगार आज तक नहीं लग पाया पूरे बिहार के अंदर। मैं कहता हूँ आज ये ऑटो रिक्शा ट्रक बस, इससे इंसान अपना सेवा जी रहे हैं, बैंक से लेके जिनका जो औकात है। युवा हमारे साथ हैं, यूथ, हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये देश का भविष्य है, कल के भविष्य हैं ये भारत के, आप लोगों से जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, मोदी सरकार या राहुल सरकार? बस हम इतना जानते हैं कि मोदी सरकार जुमलों की सरकार चलाते हैं, अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। 2014 में जो भी उन्होंने वादा किया था युवा के प्रति, चाहे जो भी किसान उसान के प्रति, वो सब जो है ना फॉल्स निकला और वो अपना वादा नहीं पूरा किया। मोदी सरकार से नाराजगी है, आप बताइए, आप भी युवा हैं, आप बताइए। लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसके बारे में यही सोचना है जो हमारे युवा जितने समस्तीपुर के हैं उनके रोजगार मिले, और भटक रहे हैं देशों में जा रहे हैं, परदेशों में जा रहे हैं, वहाँ भी उनका इज्जत नहीं हो रहा, और जो भी लड़के जाते हैं परदेश उनका कोई इज्जत नहीं होता है, और बिहारी करके उसको मारा पीटा जाता है। तो
ये सारी चीज़ें जो है ये एक बड़ी समस्या है, और पिछले दिनों काफ़ी मुंबई में खास तौर से इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी कि बिहारी और यूपी के लोगों को काफ़ी इस तरह की फजीहत का सामना करना पड़ा था और उनके साथ मारपीट की थी। आप बताइए सर, आप क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव सिर पे है? जी हम तो सोच रहे हैं कि वही जो है वही रहे हैं, लेकिन उचित काम कर रहे हैं, काम सही से हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा, इसको लेकर नाराजगी। हाँ यही बात का नाराजगी है कि हम लोग नेता बदलने से फ़ायदा नहीं, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अरे कोई भी आदमी रहे गद्दी पर, लेकिन काम सही होना चाहिए। हम लोग तो समझिए कि बेरोजगारी में भटक रहे हैं। बिल्कुल, जनता नाराज है यहाँ पर समस्तीपुर की। ये आप बताइए क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव फिर से सर पर है, नेता आ रहे हैं फिर से वोट मांगने? नेता ऐसा है कि जो हम लोग जो बेरोजगारी है तो हम लोग को रोजगार देना चाहिए, ठीक है, ऐसे इधर उधर भटकते रहते हैं, वैकेंसी निकलना चाहिए। रोजगार मतलब बड़ा मुद्दा है, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है बार बार। आप बताइए सर क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मोदी जी आए दोबारा, मोदी जी विकास बहुत किए, लेकिन रोजगार तो नहीं, रोजगार के मामले में फिसड्डी साबित हुए। पहले विकास हुआ है, बढ़िया विकास हुआ है, हम तो चाहेंगे, हम तो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मोदी जी दोबारा आए, क्योंकि मोदी जी आएंगे तो दोबारा फिर से देश का अच्छा विकास होगा, नहीं तो दूसरा है तो फिर नहीं होगा तो फिर पीछे हम लोग बैक हो जाए, पूरा भारत देश बैक हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ये अपनी अपनी राय है, लोग चाहते हैं विकास, चाहते हैं रोजगार, चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है जो विकास है। आप बताइए क्या ऐसी कमी है अभी जो सरकार से चाहते हैं आप लोग, नेता से चाहते हैं? सर सरकार ने वादा किया था कि हम लोग को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दिए, इसी लेकर हम लोग दुखी हैं। तो सरकार तो बनिया चल रहा है। अभी क्या सोचते हैं, अब फिर से चुनाव है, फिर से ताकत है आपके पास कि आप चाहें तो बदल सकते हैं? सर ये बार बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, यानी बहुत परेशान हुए हैं 5 साल में, रोजगार नहीं मिला है, इस बार हम लोग बदलना चाहते हैं। बिहार की सरकार को या केंद्र की सरकार? केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बदलना चाहते हैं, ताकि आप लोग जो सोचते थे वो चीज़ हो जो अब तक नहीं हो पाया है। तो ये बदलाव चाह रही है यहाँ की जनता, लगभग जो बातचीत सामने आई कि काफ़ी हद तक जनता बदलाव चाह रही है और स्थानीय सांसद से नाराज है, अपने स्थानीय सांसद से नाराज है, और सब साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त तो नजर आते हैं, 5 साल में कभी दिखे नहीं यहाँ पर। यही नाराजगी मीडिया पर भी फूट रही उनकी कि आप भी नहीं आते हैं चुनाव के पहले बात करने के लिए, हालांकि हम हर जगह मौजूद हैं आपकी समस्याओं को उठाने के लिए, आपकी हर परेशानियों को सामने लाने के लिए। आपको सामने आने की ज़रूरत है, आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है, खुलकर बताने की ज़रूरत है। बहरहाल समस्तीपुर में क्या होगा ये तो 23 मई को ही पता चलेगा कि कौन इस क्षेत्र का फिर से एक बार प्रतिनिधित्व करता है और कौन इस देश के गद्दी पर बैठता है। बहरहाल समस्तीपुर से इतना ही, कैमरामैन राकेश के साथ वेद प्रकाश शर्मा, लाइव समस्तीपुर।